लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? सबसे पहले कहां रिलीज होगी जवान फिल्म? किसने खरीदी है जवान फिल्म की राइट्स? कब शुरू होगी जवान की शूटिंग? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त सुशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। शाहरुख खान एक ऐसी हस्ती है जिन्हें किसी नाम और पहचान की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग तो इनकी एक्टिंग और हर एक डायलॉग्स के दीवाने हैं। अब हमारे सुपरस्टार अपनी फिल्म जवान को लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 4 साल के गैप के बाद एक बार फिर से शाहरुख खान छाने के लिए तैयार हैं, तो आप भी तैयार हो जाइए फिल्म देखने के लिए। आपको बता दें कि ये फिल्म शाहरुख खान के लिए बहुत ही ज्यादा लकी है, क्योंकि फिल्म के पोस्टर रिलीज होने के कुछ दिनों बाद ही शाहरुख खान मालामाल हो गए। फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है फिर भी ये मालामाल हो गए हैं, और इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जवान के मेकर्स ने जवान के डिजिटल राइट्स 120 करोड़ में बेच दिए हैं। बजट सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि एक अच्छी फिल्म बन सकती है, और जवान फिल्म की राइट्स को खरीदा है OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने। लेकिन इसमें खुश होने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि ये फिल्म सबसे पहले सिनेमा घर में रिलीज की जाएगी और उसके कुछ महीनों बाद इस फिल्म को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। इसलिए अगर जो भी जवान को ऑनलाइन देखना चाहते हैं उस फिल्म के लिए थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। आपको बता दें कि हाल ही में शाहरुख खान के फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे हो चुके हैं, और इसी बीच शाहरुख खान ने अपने फैन से ऑनलाइन मीट भी की। उन्होंने ऑनलाइन सेशन के जरिए अपने फैन से बात की। उन्होंने जवान से रिलेटेड कुछ ज़्यादा बातें तो नहीं बताई, लेकिन शाहरुख ने कहा कि फिल्म के बारे में अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी, और फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, सिवाय इसके कि एक एक्टर होने के नाते मैं जवान की जर्नी को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। जवान के डायरेक्टर अतली कुमार एक अलग ही तरीके से फिल्म बना रहे हैं, जिसे देखकर आप भी खूब इंजॉय करेंगे। हालांकि शाहरुख खान की ये बात सुनकर फैंस के अंदर कुछ ज़्यादा ही फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट पैदा हो चुकी है, और वो ज़्यादातर इस फिल्म को लेकर गूगल पर सर्च भी कर रहे हैं, पर इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी इस फिल्म के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।